देख सकते हो बालोद में मैं रुका था चार्ज करने के लिए जीजू के पास। सुमित बाजार में शूट करने के बाद मेरा बैटरी ऑफ हो गया था तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया था। देख सकते हो आगे से रेलवे स्टेशन जाता है और क्लोज कर रहे हैं, फिर भी कस्टमर के कारण देख सकते हो जीजू लगे हुए हैं। और इधर कुछ दिखाता हूँ तो ये मेन रोड है, ये है धन्नो, देख सकते हो 9:30 हो रहा है अभी। कस्टमर आए ऊपर आए जा रहे हैं, लाइट बंद करते ही आ जाते हैं, बड़ा 9:30 हो गया है फिर भी। जीजू को बाय बोल दिए हम, अब हम भी अपने डेस्टिनेशन शूट के लिए चलते हैं, गंगा मैया का शूट करेंगे अभी, चार्ज कर डाले अपन। चलिए कंटिन्यू बने रहते, इतना टाइम भी देख सकते हो जा रहे हैं कि आ रहे हैं, बाय कर रहे हैं दोस्त, और वहाँ पे मार दिया एक जन को, देख सकते हो वो नीचे गिर चुका है, राड ने मारा है उसको। बाप रे ऐसा झगड़ा हो रहा है, कोई पुलिस नहीं आ रहा है, ब्लड ब्लड आ गया है दोस्तों, देख सकते हो उसको। पुलिस अभी आ रहा है लेकिन रुका भी नहीं, देख के देख सकते हो छत्तीसगढ़ का प्रशासन कैसा है दोस्तों, आप देख ही सकते हो। गुजर गई गाड़ी लेकिन नहीं रुकी, और वो बंदा मार के बड़े प्यार से चले गया सीना तान के, ऐसा होता है देख सकते हो। तो मैं देख सकते हो मैं क्या दिखाना चाह रहा था, गाड़ी का भीड़ देखो, पूरा जाम लग गया था, अभी अभी थोड़ा क्लियर होते जा रहा है, लेकिन कितना आगे तक लाइन है। उधर दुर्ग वाले रोड में भी काफ़ी लंबा रास्ते तक भीड़ है दोस्तों, तो देख सकते हो इतने लोग आए हैं वहाँ पर, जितना बालोद के लोग नहीं आए हैं उतना दूर दूर से आए हैं दोस्तों। चलिए अब वीडियो, अब पूरा काम ख़त्म हो गया, 3% बैटरी हो गया, मैं भागूंगा अब स्पीड में फुल घर। वीडियो देख के सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और मेरा वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आगे बहुत कुछ देखने मिलेगा दोस्तों, आपको पता चल जाएगा, तो आप बिल्कुल से सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर। चलने का भी जगह नहीं है दोस्तों, क्या बताऊँ इतना भीड़ में है, डोंगरगढ़ से याद आ गया मेरे को। देख सकते हो दोस्तों भीड़ को देख के मैं तो पागल ही हो गया हूँ, जिधर जा रहा हूँ उधर भीड़ है कैसे, देख सकते हो अंदर तो पूछो ही मत, इतने श्रद्धालु आए हैं, बाप रे इधर देखिए जरा, ओ माय गॉड, इसे बोलते हैं यार भक्ति, बड़े तगड़े से जो भीड़ है ना भाई साहब, चलने नहीं मिल रहे। मेला प्रवेश द्वार आगे है, चलिए आपको दिखाते हैं भीड़ का नज़ारा और ज़्यादा करीब से। इधर तो मंदिर है, अपन को जाना है मेला तरफ, यहाँ थोड़ा आराम करने के लिए जगह दिया गया है विश्राम, पुलिस प्रशासन भी बाकायदा है, और ये बाबा जी बैठे हैं, ओ भाई साहब पुलिस प्रशासन भी काम नहीं कर पा रही इतने भीड़ में। मेरे को एक ही चीज़ का डर है कि यहाँ कोई फ्रेंड मत दिख जाए ऐसे नहीं पहचाएंगे, हेमले हेलमेट पहन के घूमता हूँ मैं, अब तो उनको पता ही चलेगा जब यूट्यूब में डलेगा वीडियो, एक दो घंटे में एडिट करके डाल दूँगा मैं। बाप रे भीड़, ओ माय गॉड, गुलदस्ते देख सकते हो, और ये माता जी का फोटो बड़ा ही प्यारा लग रहा है, लड़के लोग बड़े शौक से यहाँ पे ले रहे हैं देख सकते हो, और बहुत गांवों से आए हैं दोस्तों मैं क्या बताऊँ। बाप रे बाहर जो 1 किलोमीटर तक गाड़ी खड़ा था ना, वाकई भाई साहब भर भर के आए हैं गांव से यहाँ श्रद्धालु लोग, श्रद्धा बहुत ज़्यादा ही है।
ये कुछ मूर्तियां देख सकते हो, बहुत ही अच्छी सुंदर दिख रही है। क्या कलाकृति है दोस्तों, देख सकते हो पूरा घिसाई करके बनी गई है। मम्मी पापा देख सकते हो, भैया बना रहे हैं। वाव, ये सब फैंसी आइटम देख सकते हो। भीड़ में चलने भी नहीं मिल रहा है दोस्तों। सूट ले दे के कर रहा हूँ मैं। ओ भाई साहब, यहाँ दाल भात प्रसाद सभी मिल रहे। भीड़ देखो कैसे लगा है, हम तो शायद ही जा पाएंगे। और इधर चलते हैं इस गली में, इस गली भी काफ़ी भीड़ है भाई। ओ भाई, इधर चौपाटी टाइप है खाने पीने का, बड़ा ही अच्छा लग रहा है देखकर। हम भी कुछ खा लेंगे भाई, भूख भी लग गई है। चलिए क्या खाते हैं, गरम चीज़ खाएंगे। नज़ारा देखते रहो आगे, और बहुत कुछ देखने मिलेगा यहाँ। अभी तो उधर कार्यक्रम लेके जाने वाला हूँ मैं। ये कुछ रंगोली आइटम है, और ये एयर बलून्स बच्चों का। मैं सोचा नहीं था यार इतना भीड़ होगा करके। अभी 10 बज रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी बैठी है। एक बात बोलूं दोस्त, सब मेरे को ही देख रहे हैं घूर घूर के, क्योंकि मैं पहला इंसान हूं लड़का जो एकदम हेलमेट पहन के घुस के बात करते हुए ऐसा वीडियो बना रहा है। कोई भी नहीं दिख रहा है मेरे को। ठीक है यार, आप लोग के लिए इतना कर सकता हूँ मैं, यही तो स्ट्रगलिंग है अपने लाइफ का। वाह, बहुत अच्छा नज़ारा है, देख सकते हो दोनों एक साथ चल रही है। लेकिन भाई एक बात बताऊँ मैं दिल से, आज के वीडियो में जितना मैं बोल रहा हूँ किसी भी ब्लॉग या वीडियो में मैं कोई दोनों चैनल में नहीं बोला हूँ, आज इतना खुल के बात कर रहा हूँ मैं। और ये बलून शॉट है देख सकते हो। तो भाई इतने भीड़ में कौन झूलेगा यार, क्या लाइन है बाप रे। ये भाई साहब इतना भीड़ में कैसे निकालेंगे बाइक को, भगवान जाने। सभी सेल्फी लेते हुए, बहुत सारा, बहुत ही सारा, क्या बोलूं। आगे पुलिस प्रशासन है यार। कभी कभी मैं हिंदी ना थोड़ा गलत पढ़ लेता हूँ, तो माइंड मत करना, क्योंकि हिंदी में थोड़ा अटक जाता हूँ मैं, इंग्लिश अपना बेहतर है। सब तरफ मेला ही भराया है, मैं किधर से निकलूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है दोस्त। ओ भाई मंचूरियन, पता नहीं चाउमीन का कलर तो काला काला दिख रहा है, कौन खाएगा। और तो किधर जाऊँ, इधर चलते हैं। ओ थोड़ा खाली मिला इधर, तो नाइट में इतना क्वालिटी आने का कारण ये है दोस्तों कि ये वीडियो बन रहा है वो 4K में बन रहा है, 30 FPS में, तो आपको क्वालिटी से कोई दिक्कत नहीं होगा, देख सकते हो तुरंत जूम कर लेता है। ये चमचम है, गुलाब जामुन है, जलेबी है, पेठा बोलते हैं इसको, और ये सेव है। बहुत ही ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है दोस्तों हमको, ऑडियंस लोग को, है ना। तो एक लाइक तो बनता है दोस्त। चलिए आगे और दिखाते हैं भाई भीड़। ओ माय गॉड, ये जूता है, सैंडल है, चप्पल है, सभी ले रहे हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। लेकिन जो भी है यार, इतना भीड़ देख के ना अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतना भीड़ एक माहौल बनता है, साल में एक बार बनता है, तो ये बहुत अच्छी बात है, है ना। बिल्कुल लेंगे दोस्त, यूट्यूब में डलेगा ये, है ना। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है दोस्त, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है बोलता हूँ। लोग अब जानने लगे हैं कि ब्लॉगिंग कर रहा है लड़का, है ना। तो चलो, हर किसी को बताना तो नहीं पड़ता। वो भाई कैसे निकलेंगे इतना भीड़ से। मेरे को लास्ट बार मैं हैवी शूट किया था राजीव मेला में, 3 पार्ट में, वहाँ ऐसी भीड़ था दोस्त। भैया एक देना, एक देना, थोड़ा ठंडा हो जाए हम भी, गर्मी में पसीना आ गया है।
थैंक यू मेरे भाई। मेरे पापा कहते हैं कहीं से अगर चल के या रनिंग से आ रहे हो ट्रैवलिंग करके तो तुरंत से खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, उससे क्या थोड़ा पानी ना हड्डियों में चले जाता है। तो लेकिन क्या करे, यहाँ बैठने का तो है नहीं, थोड़ा बहुत चले ही जाए पानी हड्डियों में घुटने में। और इधर तो छोटा छोटा झूला लगा है, और तो क्या बताऊँ, मिठाई ही मिठाई है। घर के लिए क्या ले जाऊँ समझ नहीं आ रहा है, चमचम ले जाऊँ या गुलाब जामुन। तो फिर हाल तो मैं पापा के पास जाऊँगा, अभी वो अकेले हैं, तो उनको तो गुलाब जामुन पसंद है, तो गुलाब जामुन ले लिया, मेरे लिए मीठा ले लिया। तो अब हम शायद बाहर की ओर निकल गए हैं, लेकिन हमको अभी और अंदर जाना है दोस्तों। मतलब कि मैं अभी ये देख रहा हूँ सामने में कि लोग अभी भी अपने घर से आ रहे हैं यहाँ दर्शन करने। सभी श्रद्धालु अपने काम में लगे हुए हैं, देख सकते हो। मंदिर तो हम जा ही नहीं सकते, तो कैसे लेंगे हम ये सब। मंदिर तो जाने का भी हिम्मत ही नहीं है भाई, क्योंकि आज मैं ऑलरेडी 3 सूट कर डाला हूँ, एक है धमतरी का और एक है कुरुत का, पंचमी के कारण मैं सुबह से निकला था। और देखो भाई इधर कितना दुकान लगा है। आगे हो रहा है कार्यक्रम, चलिए आगे बढ़ते हैं उसी की ओर। ये अच्छे से सजाया गया है फूल से, देख सकते हो। मेरे को शॉर्ट्स भी बनाना है दोस्तों, आगे जाके दिखाता हूँ क्या हो रहा है आगे। बढ़िया गार्डन है यहाँ पे, तो बैठने में कुछ तकलीफ नहीं हो रहा है, सभी लोग बैठे हैं, सभी लोग बड़े ही आनंद से देख रहे हैं, और कई लोग को मैं डिस्टर्ब भी कर रहा हूँ बीच में जाके। चलिए हम भी थोड़ा जगह देखते हैं कोई सा। ये रात भर चलेगा क्या अंकल? रात भर चलता है क्या? रात भर चलता है क्या बोला? अच्छा रात भर चलता है। एक अंकल से पूछा तो बोलते हैं रात भर चलता है बेटा करके। अरे वाह, तभी इतना भीड़ है भाई, देख सकते हो कितने दर्शक देख रहे हैं। देखो बढ़िया है, पौधे में पानी डाल रहे हैं, और उधर से लाइन आ रही है, ऐसे जा रही है पूरा, देख सकते हो। और 10 बज चुके हैं, फिर भी भाई दुर्ग वाला रोड है इधर, और इधर भानु प्रतापपुर कांकेर वाला रोड है ये। तो गाड़ी को सही सलामत देख के दिल भर आया, अच्छा लगा। अपन चलेंगे अब घर की ओर। वीडियो कैसे लगा, इतना मेहनत से बनाया हूँ दोस्तों, एक लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा। आप मेरे को आगे देखना, मैं कैसा कैसा कहाँ कहाँ जगह जाता हूँ, आपको मानना पड़ जाएगा मैं ऐसा सा वीडियो बनाऊँगा। मतलब सीजी में और यूट्यूबर हैं, उन लोग भी अच्छे बनाते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा डिफरेंट लेवल का रहेगा, क्योंकि मैं थोड़ा एक्स्ट्रा करता हूँ कोई भी चीज़ को, तो आपको अच्छा लगेगा वो चीज़। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।